दोस्तों अक्सर आपने शॉर्ट्स में काफी डिफरेंट टाइप्स की लेक्स के बारे में सुना होगा जैसे पिंक लेक जेलीफिश यूनिक होने की जो बात है वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है लेकिन यार इंडिया में एक ऐसी लेक भी है जहां पे कंकाल मिले थे बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने एक या दो इंसानों के नहीं पूरे पांच से छह लोगों के कंकाल जिसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक शामिल थे क्योंकि यार ये जो स्केलेटन है ये एक लेक में मिले थे तो इसीलिए इस लेक को स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है या मिस्टीरियस लेक के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस डरावनी लेक के बारे में और इसमें इतने सारे कंकाल आए कहां से और यार वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक और बात बता देता हूं एक सरप्राइज जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ था चलिए सरप्राइज को सरप्राइज नहीं रखते रिवील कर देते हैं तो यार अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं और इतना शेयर करते हैं कि ट्वेंटी थाउजेंड लाइक्स इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट टेन डेज पे तो क्या करने वाले हैं यार अब मैं जाऊंगा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मतलब स्केलेटन लेक या ऐसी ऐसी जगह जहां पे मैं वीडियो जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा उसके एग्जैक्टली वहां पर जाके हम रिपोर्टिंग करेंगे तो यार अगर आप ये देखना चाहते हो समथिंग कुछ एक्साइटिंग सा देखना चाहते हैं तो शेयर करो यार इस वीडियो को भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहा बर्फ में दबी हुई है यार बात शुरू होती है साल उन्नीस से ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंज रूपकुंड लेक जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और यार ये जो लेक है ना सी लेवल से 16,500 फीट की ऊंचाई पे है यहां पे लोग आमतौर पे सर्दियों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि लेक जो है सर्दियों में जमी हुई रहती है पर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स ऐसे टाइम पे जाते हैं इस लेक के पास में जब ये लेक मेल्ट होती है मतलब बहाव में होती है और उस समय जो स्केलेटन हैं इस लेक्स में वो इजीली विजिबल हुए और तब से अब तक इस लेक के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं लेकिन एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या था ये किसी को नहीं पता अब यार गवर्नमेंट यहां पे अपना फायदा क्यों नहीं देखेगी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस लेक को मिस्ट्री लेक बुलाना शुरू कर दिया है अपने यहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लेकिन यहां पे कुछ सवाल मेरे दिमाग में आते हैं ये लोग हे कौन है जिनकी स्केलेटन इस लेक में मिले इनकी डेथ कब हुई कैसे हुई अब यहां पे लोगों ने अपने हिसाब से कहानियां बना रखी है जिसमें से एक कहानी अमित मैं कहूं 870 साल पहले यहां पे एक राजा रहा करता था अपनी रानी के साथ और अपने बच्चों के साथ और कुछ सोवंस के साथ जो कि एक भयंकर तूफान में मारा जाता है और माना जाता है कि मां नंदा देवी के भयंकर प्रकोप का सामना इन राजा को करना पड़ा था और इस प्रकोप में माता ने लोहे जितने जितने भारी गिराए थे थे जिसकी वजह से जितने भी लोग थे, सारे मारे गए अब यार यही पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो स्केलेटन्स है ये इंडियन सोल्जर्स के हैं तो यार पहले के समय में जब वॉर हुआ करती थी ना तो एक छोटी वॉर चल रही थी उसके दौरान ये जो सोल्जर्स है अपना रास्ता भटक जाते और बचते बचाते इस लेक के पास आते हैं और यहां पे ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाते तो ये सोल्जर्स जो है इनका काउंट सत्तर माना जाता है कि सत्तर लोग थे और उनके स्केलेटन इस लेक में मिले ऐसा लोगों का मानना है अब यार ये तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं और भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रिलेट करती हैं इस लेक के इंसिडेंट से कि भैया ये जो स्केलेटन है किसके हैं कहां से लोगों ने अपने हिसाब से जो है कहानियां बना रखी हैं लेकिन असलियत में चीजें क्या है? अब 2004 में इस पूरे मामले की गहनता से रिसर्च की जाती है जिसमें 28 रिसर्चर और 16 इंस्टीट्यूशन इंडिया यूएस जर्मनी इन्वॉल्व होते हैं अब यार आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा 1942 के बाद इस लेख की याद गवर्नमेंट को 2004 में आई आई मीन रियली इतने साल कहां थी गवर्नमेंट सोली थी जी नहीं यार इसका जो आंसर है ना बहुत ही सिंपल है जियोग्राफिकल लोकेशन ये जो लेक है ये 16500 फीट सी लेवल से ऊपर है और आपको तो पता ही यार ये जिस एरिया में अवेलेबल है वहां तक मीन इतना ऊपर पहुंचने के लिए रास्ते पक्के नहीं है और पहाड़ी एरिया में यानी ऐसे ऐसे एरिया में जो भू होता है मतलब जो पहाड़ी के कुछ हिस्से रहते हैं पत्थर रहते हैं वो सड़कों पे गिरते रहते हैं अब यार इन साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है यहाँ पे आके उसको समझने के लिए हमें जियोग्राफी अच्छे से आनी चाहिए और जियोग्राफी के साथ पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी का भी ज्ञान यहाँ पे हमें होना जरूरी है बट टेंशन मत लीजिए मैं आपको ब्रीफ में और अच्छे से आसानी से समझाता हूं चीजों को अब यार यहां पे जो दो फेमस कहानी है इस लेख से जुड़ी हुई सोल्जर्स की जो कहानी है राजा रानी की जो कहानी है ये नाइन्थ सेंचुरी से बताई गई है और ये भी बताया गया है कि ये एक सिंगल ग्रुप से बिलोंग करते हैं अब चलिए इतना समझ में आ जाता है कि नाइन्थ सेंचुरी की बात हो रही है यहां पे लेकिन यार सिंगल ग्रुप यानी एक ग्रुप के इतने सारे लोग इतने सारे स्केलेटन्स मतलब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये जानना जरूरी था 2004 की रिसर्च के बाद कुछ चीजें कुछ तथ्य निकल के सामने आते हैं जिसमें जो साइंटिस्ट हैं वो 38 बॉडीज की जो स्केलेटन्स हैं उन पर रिसर्च करते हैं और जिनमें से हैरान हो जाओगे आप के पंद्रह जो बॉडीज है थी, वो वुमेन की थी और यार कुछ तथ्य ऐसे भी निकल के आए जिनसे साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो घटना हुई थी यहां पे ये 1200 साल पहले हुई थी और इसी के साथ साइंटिस्ट जो आए हुए थे उन्हें पता लगता है कि इनमें से कुछ लोगों के जो जेनेसिस हैं वो मैच करते हैं आज के टाइम पे रहने वाले साउथ एशियन लोगों से और कुछ ऐसे जो है वो रिलेट करते हैं यूरोप में रहने वाले लोगों से एडवन हानि जो इस प्रोजेक्ट को लीड करते हैं उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च में कहीं भी ये सामने या फिर ये निकल के नहीं आया है कि ये सारे के सारे लोग एक ही ग्रुप के थे और कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहां पे मरे ये इसका कोई सबूत उन्हें नहीं मिल पाया और इनकी जो पूरी रिसर्च है वो एक थ्योरी पे बेस्ड है यार ये कहते हैं कि चलो मान लिया जाए कि ये सारे लोग एक सिंगल इवेंट में मरे हैं मतलब इन सब की जान एक ही साथ गई है तो यार ये कैसे पॉसिबल है कि अलग अलग रीजन से वर्ल्ड के इतने सारे अलग अलग ईस्टर्न नॉर्थन इतने सारे रीजन से लोग आते हैं एक साथ ट्रेवल करने के लिए और एक जगह पे वो भी ऐसी जगह पे जो इतनी ऊपर है जो सी लेवल से पंद्रह सोलह हजार फीट ऊपर है तो यार थोड़ा सा बिलीव करना इस बात पर तो मुश्किल हो जाता है यार इनका सिंपल मानना है इनकी थ्योरी के हिसाब से इतने सारे अलग अलग रीजन देश के लोग एक जगह पर विचित्र जगह पे मिलने के लिए या ट्रेवल करने के लिए नहीं आ सकते अगर वो नहीं आ सकते तो एक जगह पे एक साथ उनका मरना कैसे पॉसिबल है अब यार यहां पर ना एक इंटरेस्टिंग बात है इस लेक के अंदर जो स्केलेटन्स मिले हैं ये हेल्दी लोगों के स्कैलेटन है मोस्ट ऑफ द हेल्दी लोगों के हैं लेकिन ज्यादातर स्कैलेटन्स के सर पे एक निशान दिखाई दिया है एक क्रैक दिखाई दिया है जिसे पता लगता है मतलब अब रिसर्चर्स ने क्या कर दिया ना इस पूरे मामले को अलग एंगल से देखना शुरू कर दिया हो सकता है ये सोल्जर्स हो जो वॉर के दौरान यहां पे आए हो फंस गए हों यानी कि जो दूसरा मिथ था हो सकता है वो सही हो और ये भी हो सकता है कि ये सोल्जर्स हो और महामारी का शिकार बन गए हो यहां पर तो जैसे ही साइंटिस्ट के दिमाग में ये एंगल आता है वो क्या करते हैं आसपास के एरिया में वेपन्स के होने का सबूत ढूंढने लगते हैं बट वो असफल रहते हैं इसमें उसके बाद वो सोचते हैं कि भैया क्या पता यहां पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिल जाए कोई कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे यहाँ पे बैक्टीरियल इंफेक्शन उस टाइम पे फैला हो इसके सबूत मिल जाए बट इसमें भी वो नाकाम रहते हैं अब इतने दूर दराज वाली लेक पे कौन वॉर करने जाएगा मतलब हजम नहीं होती बात आज के टाइम पे उस लेक पे जाना मुश्किल बात है क्योंकि बहुत ऊंची है रास्ते अच्छे नहीं है कभी भी भू संखलन पहाड़ी में से पत्थर नीचे गिर सकते हैं रोड पे रोडें बंद हो जाती हैं और पक्की सड़क तक नहीं है ऊपर पहुंचने के लिए और टेम्परेचर आपको तो बताइए वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है ऐसे में वहां पे वॉर की जाना सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है विलियम उन्होंने अपनी बुक माउंटेन गॉडेस में कहा है कि काफी टाइम पहले से इस जगह पे इस लेक के पास लोग अपनी देवी के दर्शन करने आया करते थे यार अगर स्टडीज की माने ना तो 19th सेंचुरी तक यहां पे कोई टेंपल नहीं था और ना ही लोग यहां पे दर्शन करने आते थे लेकिन यहां पे बात हो रही है एट्थ और नाइन्थ सेंचुरी के बीच की तो चलिए अगर मान लेते हैं कि यहां पे मंदिर हुआ करता था भक्त यहां पे आए दर्शन करने के लिए और यार उनकी जो डेथ है वो एक नेचुरल इवेंट से हो जाती है नेचुरल डिजास्टर से हो जाती है जैसे 2013 में केदारनाथ में हुआ था तो यार इस इसपे भी बिलीव कर पाना मेरे लिए तो मुश्किल है और साइंटिस्ट के लिए भी क्योंकि यूरोप और नॉर्थन साइड के लोग रिमोट एरिया में दर्शन करने के लिए क्यों आएंगे so, यार एंड ऑफ द डे इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे सुपरवाइजर थे इस पूरे प्रोजेक्ट के उन्होंने क्या बोला उनका कहना है कि अब तक ऐसा कोई लिंक प्रूफ नहीं मिल पाया है जिसे पुख्ता तौर पे यह बोला जाए कि इतने सारे अलग अलग देशों के लोग रीजन के लोग इस एक जगह पे कर क्या रहे थे और मरे कैसे और यार यही एकमात्र रीजन है कि इस लेक को मिस्ट्री लेक कहा जा रहा है और यार इस लेक से जुड़े जितने भी तथ्य थे फैक्ट थे सच्चाई थी या जो भी रिसर्च थी सारी की सारी आपके सामने मिथ से लेके रिसर्च तक एक एक पॉइंट आपको यहां पर मिलेंगे चलिए यार इस वीडियो में बस इतनी इंफॉर्मेशन थी अगर आपको इस लेक के बारे में कुछ और पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियो के साथ स्टेच्यून Keep watching and thank you so much for watching this video till the end.